दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, फील्ड लाइंस खींच ली हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जान गए हैं और पॉइंट डिस्क्रीट चार्जेस और वो भी दो तीन की बातें हम लोग कर ली हैं और वो भी कुछ फिक्स्ड लाइन पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर और लाइन ज्वाइनिंग पर हम लोग ग्राफ खींच चुके हैं। हालांकि मैं बता चुका हूं कि फील्ड तो हर जगह होता है। तो अब जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, जरा उसको लिखिए। फॉर गिवन ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड versus position on line joining versus position on line joining of charges A and B, then find sign of charges and inequality of their magnitude. Then find sign of charges and inequality of their magnitude in each case. चलिए करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम लोग सीखने की कोशिश ये करेंगे, बहुत बड़ी चीज सीखेंगे। साइंस की एक अच्छी बात होती है, काफी ज्यादा केस में इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई होता है और बहुत सारे केस में इंप्लाइज एंड डज नॉट इंप्लाई बाई होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये है तो इंप्लाई करता है कि ये है, और यदि ये है तो इंप्लाई करता है कि ये है, ये इसको इंप्लाई करता है और ये इसको इंप्लाई करता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये इसको इंप्लाई तो करता है पर ये इसको इंप्लाई नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यदि फोर्स है, फोर्स निकालना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन से आ जाएगा, और मास इनटू एक्सेलरेशन करोगे तो वो नेट फोर्स आ जाएगा। इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई है ये, है ना। कई बार जैसे इंप्लाइज एंड डज नॉट इंप्लाई बाई देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। किसी भी मासिव बॉडी के लिए नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, और यदि एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो है। इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई है, नेट फोर्स जीरो इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज जीरो, एंड एक्सेलरेशन इज जीरो इंप्लाइज दैट नेट फोर्स जीरो। लेकिन जरा दूसरी जगह देखते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इंप्लाई करता है कि स्पीड कांस्टेंट है, पर स्पीड कांस्टेंट है तो इंप्लाई नहीं करता कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट का मतलब होता है वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन के बारे में मालूम नहीं है। ये एक और चीज, ऐसी बात करें तो कहेंगे कि यदि पाथ के नाम पे देखते हैं, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन यदि पाथ स्ट्रेट लाइन होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होते हुए भी एक्सेलरेशन हो सकता है, और एक्सेलरेशन होता है ना तो वेलोसिटी चेंज होती है। एग्जांपल ये देखिए, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो ये मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा था ताकि आपके दिमाग में ये बात आए कि फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस या किसी भी सब्जेक्ट में इस तरह के बनते हैं, खासकर फिजिक्स में,
कि हम ये दे रहे हैं तो आप ये बताइए। मैथ्स में बनते हैं, केमिस्ट्री में बनते हैं, पर फिजिक्स में ज्यादा बनते हैं क्योंकि सिचुएशन ज्यादा होता है। यदि हम ये सब दे रहे हैं तो आप ये बताइए, लेकिन जब वो कह देंगे कि हम ये दे रहे हैं जो ये हो रहा जो रिजल्ट है वो हो रहा है, हम दे रहे हैं तो बताइए क्या कुछ शुरू वाला कंडीशन कठिन होता है। हम लोग शुरू वाला दे दें और बाद में कुछ पूछ लें तो आसान होता है, और बाद में दे दें कि ये हो गया और कहें शुरू में ये बताइए, इनिशियल वेलोसिटी बताइए, उस टाइम पे फोर्स बताइए, शुरू में पोजीशन बताइए, कौन कौन से फोर्स लग रहे थे वो बताइए, इतना वो वाला कितना फोर्स लगा रहा था वो बताइए, तो कठिन होता है। तो ये तो मैं बातचीत ऐसे ही किया था। तो करते हैं, देखते हैं जो क्वेश्चन है कि कई केस बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला केस लेते हैं और मैं ये बात करता हूं जो दिया गया है, ये है ए, ये है बी, ठीक है, और वैसे तो पूरा ग्राफ भी दे सकते हैं लेकिन पूरा ग्राफ भी दे सकते हैं लेकिन अभी लेकिन मैं अभी बीच वाला दे के भी पूछ रहा हूं ना, ये है ए, ये है बी, तीसरा, ये है ए और ये है बी, इस तरह की बात हो रही है ना, और हम लोगों को बताना है। कहीं तो मैं ऑप्शन दे देता हूं उसके अनुसार आप बताइएगा, किसी भी एक क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ये रहेगा, ए ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ऐसा है भाई कि ए पॉजिटिव है एंड बी भी पॉजिटिव है ना, दूसरा ए पॉजिटिव है एंड बी निगेटिव है, तीसरा ए निगेटिव है और बी भी निगेटिव है, और चौथा ए निगेटिव है और बी पॉजिटिव है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग बताएं, है ना, और एक ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इनमें से जो मैग्नीट्यूड है उसकी बात करें। मैग्नीट्यूड के नाम पर ये बात करते हैं और आप लोग बताइएगा कि इसमें से क्या सही है। यदि मैं बात करूं कि क्यू ए, एक और है इस तरह की बात हो सकती है, ऑप्शन क्यू ए मॉड ग्रेटर देन क्यू बी मॉड, दूसरा है क्यू ए मॉड लेस देन क्यू बी मॉड, सी है क्यू ए मॉड बराबर क्यू बी मॉड, और डी है क्यू ए कैन नॉट से, मतलब इस तरह की बात हो सकती है। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड है, मॉड लगाने से घबराना नहीं चाहिए ताकि साइन में ऐसा साइन वाली इनइक्वालिटी ना आ जाए ना, ये भी एक पॉइंट होता है, इसीलिए मॉड लग गया है ताकि हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें कि बड़ा कौन है मैग्नीट्यूड में, साइन तो यहां पे है ही। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या हम लोग पहले याद होगा किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होने लग रहे हैं वो समझने की कोशिश करो। पहले हम लोग कहते हैं याद करो मैकेनिक्स में
कहते हैं कि वेलोसिटी एक्सप्रेशन ये है वो हम दे रहे हैं, तो ग्राफ आप खींच दीजिए। और एक और क्वेश्चन होता है कि ग्राफ हम दे दिए हैं तो बताओ कि कितना दूर चला है, कितनी वेलोसिटी है, कहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो कहां पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, तो कहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, याद है? तो वही वाली बात है कि कुछ चीजें हम दे दें तो आप ग्राफ खींच दीजिए, चाहे हम ग्राफ दें तो आप बहुत कुछ बता दीजिए उसका। तो वही वाली बात है कि पहले हम चार्ज दे दिए थे तो आप क्या किए थे, ग्राफ खींचे थे, और अब हम आपको हम आप ग्राफ दे दिए हैं और चार्ज के बारे में बताना आपका काम है, देखते हैं। चलो ध्यान से मेरी बात सुनो, चार्ज का साइन कैसा होगा उसके करीब से पता चलेगा। कहां से पता चलेगा? करीब से। यहां पे इन द विसिनिटी ऑफ पॉइंट चार्ज के फील्ड का स्टडी करके हम लोग साइन हमेशा हर जगह बताया करेंगे। आगे पढ़ लेंगे तो हम पोटेंशियल भी बताया करेंगे, पर अभी फिलहाल फील्ड है तो फील्ड बताते हैं। तो किसी पॉइंट चार्ज के करीब में उसका इतना इफेक्टिवनेस होता है उसके अपने फील्ड का कि बाकी दुनिया कुछ बदल नहीं सकता, इसीलिए उसके साइन की बात हम लोग करीब से करेंगे, इसके पास से करेंगे, इसके पास से करेंगे, इसके पास से करेंगे, पास। और साइन हो जाएगा तो उनके मैग्नीट्यूड का बड़ा छोटा होना, ये बीच वाले पॉइंट से, बीच वाले पॉइंट से, बीच वाले पॉइंट से, या किनारे ग्राफ वाला तो किनारे वाला, वो एक पूरे ग्राफ का एज ओवरऑल लुक से बता पाएंगे कि कौन डोमिनेटिंग है। करीब से नहीं, ओवरऑल ग्राफ देख के मिनिमम मिनिमम वाले से हम लोग बता पाएंगे कि उसमें से कौन सा बड़ा मैग्नीट्यूड है। तो चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि ग्राफ तो अब इधर तो है नहीं, ग्राफ इधर ही है, तो इधर ही देखते हैं, करीब में देखते हैं। जरा देखो तो यहां पर ये तो चार्ज है, यहां पोजीशन देखते हैं, और यहां पोजीशन इतना बड़ा अपना फील्ड होगा कि इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। जरा देखो नीचे ग्राफ नहीं ऊपर है। यदि मैं आपसे ये कहूं अच्छा हाँ ये सब फील्ड है जो आप लोगों को दिख रहा है, ये फील्ड है, बताओ यहां पे फील्ड प्लस है कि माइनस है? तो कहोगे ऐसा है सर कि फील्ड प्लस है, ऊपर ग्राफ है तो प्लस होगा, तो फील्ड प्लस है। तो मैं कहूंगा एक बड़ा मजाक टाइप में कभी कभी बोलता हूं, मैं कहूंगा कि बताओ यहां पर फील्ड ऊपर है कि नीचे है? तो जल्दी में बच्चे बोल देते हैं कि ऊपर है। फील्ड ये मैग्नीट्यूड है, फील्ड का डायरेक्शन ऊपर नीचे नहीं होता, फील्ड का डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग पर इधर उधर होता है, भले ही ग्राफ इस पे बना हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, मतलब ग्राफ ऊपर बना है तो प्लस है, तो प्लस इसका मतलब फील्ड ऊपर नहीं है, प्लस है मतलब फील्ड इधर है। यदि ग्राफ नीचे बना है तो फील्ड नीचे की तरफ नहीं है, फील्ड इधर की तरफ है, माइनस। तो ये एक बड़ा पॉइंट है साइंस में, फिजिक्स में, जो समझने की जरूरत है। तो करते हैं, बताओ फील्ड प्लस है कि माइनस है? ऊपर नीचे नहीं पूछना हूं, बस प्लस माइनस पूछना हूं, बताओ फील्ड प्लस है कि माइनस है? तो कहोगे प्लस है। तो मैं कहूंगा बताओ फील्ड इधर है कि इधर है? तो कहोगे फील्ड प्लस मतलब इधर है, इधर ही प्लस तो इधर ही होता है, तो इधर है। तो मैं कहूंगा इससे यहां पर अवे है कि टूवर्ड्स है? तो कहोगे अवे है। देखो यहां पर फील्ड इसके रिस्पेक्ट में ये अवे है, और अवे तब होता है जब प्लस होता है। तो पता चल गया आपको ए पॉजिटिव है, तो दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो इसका साइन पता करना है तो हमें यहां पे तो देखेंगे नहीं भाई, इधर तो ग्राफ ही नहीं है, तो यहां पर देखते हैं करीब में, इसके करीब में देखते हैं यहां पर। चलो बताओ ऊपर तो जो ग्राफ है नहीं, नीचे है। अच्छा यदि मैं पूछूंगा कि यहां पर फील्ड प्लस है कि माइनस है, यहां पर फील्ड प्लस है कि माइनस है? तो कहोगे माइनस है, नीचे है ग्राफ, देखो नीचे। मैं कहूंगा माइनस है तो बताओ यहां पे इधर फील्ड कहे कि उधर फील्ड कहे? तो आपको याद है ना कि इधर प्लस होता है, इधर है तो माइनस कहेंगे। तो बताओ यहां पे फील्ड इधर कहे कि इधर कहे? तो कहोगे इधर है, इधर फील्ड है यहां पर।
मैं कहूंगा इससे अवे है कि टूवर्ड्स है, तो कहोगे अवे है। बताओ किसी चार से फील अवे हो तो साइन कैसा होगा, तो कहोगे प्लस होगा। तो मैं कहूंगा बी भी प्लस है और आंसर है ए। कोई दिक्कत? बड़े आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनो बस, प्रेम से आराम से। चलो अच्छा ये बताओ, ये सिमेट्रिकल है, बीचों बीच है और बीचों बीच जीरो है, तो जितना इसका फील इधर होगा उतना ही फील इसका इधर होगा, तभी तो जीरो होगा। और ये तभी संभव है जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, नहीं तो जीरो होगा कैसे। तो हो गया, इसमें सी है और इसमें ए है, बस इतना ही पढ़ना था। वीडियो को पॉज करो और इसको तुम अपने से करो और देखो क्या कर पाते हो। चलो वीडियो को पॉज कर लेना, तुम कर लेना, मैं अभी करता हूं, ध्यान सुनना। यहां पे देखते हैं ग्राफ, तो इसी के बीच में बनाए, इधर उधर ग्राफ बना भी नहीं है, हालांकि इधर भी बनाया जा सकता था, दिया जा सकता था, तो ऊपर करेंगे ऐसे ही सोच के, इधर ग्राफ बनता तो इधर भी देख लेते। यहां पर देखते हैं, ये है चार, यहां पर देखते हैं, बताओ फील प्लस है कि माइनस है। तो कहोगे कि फील माइनस है, मैं कहूंगा फील यहां पर इधर की तरफ है कि उधर की तरफ है, तो कहोगे माइनस मतलब इधर की तरफ है। भाई एक्स एक्सिस पर प्लस उधर होता है, माइनस इधर होता है, कई बच्चे इसी में इकट्ठा नहीं समझ पाते, इसीलिए मैं इतना एक्सप्लेन करता हूं। तो माइनस मतलब इधर है, तो जब यहां पर फील इधर है इसका मतलब चार्ज की तरफ है, और चार्ज की तरफ है, टूवर्ड्स चार्ज है माइनस, क्योंकि टूवर्ड्स तो माइनस माइनस का ही होता है अपनी तरफ। हो गया ए निगेटिव। अच्छा बी देखते हैं, ध्यान से समझना बी, ये देखो यहां पर करीब में देखते हैं, बताओ यहां पर जो फील है यहां पर माइनस है कि प्लस है। तो कहोगे नीचे है तो माइनस ही कहेंगे, तो माइनस है। मैं कहूंगा फील इधर है कि इधर है, तो कहोगे माइनस है तो इधर कहेंगे, उधर तो प्लस होता है इस लाइन ज्वाइनिंग पर, तो इधर इधर है, इधर है, माइनस मतलब इधर है, तो इधर है। और इसी की बात हो रही है करीब में, बताओ चार्ज की तरफ है कि चार्ज से अवे है। तो कहोगे चार्ज से अवे, कहोगे चार्ज से अवे, और चार्ज से अवे फील किसका होता है, प्लस का होता है, इसका मतलब डी बी प्लस। दूसरा देखो, मिनिमम मिनिमम जहां पर है वो एग्जैक्टली बीचों बीच है, जब चीजें एग्जैक्टली बीचों बीच होती हैं तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर ही होता है, चाहे मिनिमम के नाम पे बीचों बीच हो, चाहे जीरो के नाम पे बीच बीच बीचों बीच हो, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होता है। तो हो गया, ये कौन सा लॉ ऑप्शन सही है इसमें, ए निगेटिव और बी पॉजिटिव, ए निगेटिव बी पॉजिटिव, डी ऑप्शन सही है, इसके लिए डी ऑप्शन सही है, और यहां पे सी ऑप्शन सही है। वीडियो को पॉज करो, इसको करने की कोशिश करो, देखो तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चलो मैं बताता हूं तुम्हें, यहां पर देखो ये बताओ कि ये प्लस है, ये ए है, तो यहां पे फील प्लस है कि माइनस है, तो कहोगे माइनस है, माइनस मतलब इधर है कि इधर है, तो कहोगे इधर है। मैं कहूंगा इधर है मतलब इधर, मैं कहूंगा बताओ चार्ज की तरफ है कि चार्ज से अवे है, तो कहोगे चार्ज की तरफ है, चार्ज की तरफ मतलब फटाक से कर दूंगा कि निगेटिव है। चलो ये बताता हूं, ये देखो मैं कहूंगा यहां पे ग्राफ देखो, तो ग्राफ में नीचे थोड़ी जाओगे ऊपर जाओगे, मैं कहूंगा फील प्लस है कि माइनस है, तो कहोगे प्लस है, मैं कहूंगा प्लस, अब इसके लॉन्ग देखो, वही प्लस इसके लॉन्ग, प्लस तो है, तो बताओ प्लस उधर मानो कि इधर मानो, तो कहोगे प्लस उधर होता है, तो मैं कहूंगा चलो इधर है फील्ड। मैं कहूंगा बताओ चार्ज की तरफ है कि चार्ज से
चार्ज की तरफ है, चार्ज की तरफ है कि चार्ज से अवे है, तो कहोगे चार्ज की तरफ है। मैं कहूंगा चार्ज की तरफ है तो लो निगेटिव है, ये हो गया। अच्छा एक और चीज आपको याद होगा, चाहे मिनिमम चाहे जीरो, यदि बीचों बीच हो तो मैग्नीट्यूड बराबर होता है, यदि किसी तरफ शिफ्ट हो तो जिसकी तरफ शिफ्ट होता है उसको कमजोर माना जाता है, ताकि वो अपना फील्ड को बढ़ा करके जीरो कर सके। तो बताओ कौन सा कमजोर है, तो बी वाला कमजोर है, तभी इसको इसे दूर रखा गया है ताकि ये भी अपना, और ये थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा के फील्ड लगा के अपना बराबर कर सके। तो हमेशा बैलेंस करने के लिए किसकी तरफ शिफ्ट होना पड़ता है, कमजोर की तरफ, ताकि वो ज्यादा फील्ड और फोर्स लगा के बैलेंस कर सके। तो कौन कमजोर पड़ रहा होगा, बी, तभी तो इधर शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो क्या आप लोगों को ये देखने आ गया? यदि देखने आ गया तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस तरह के सारे क्वेश्चन करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी मैं बता चुका हूं कैसे लिखा जाएगा, आज ग्राफ में भी बता दिया, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में भी देखेंगे कि कैसे होगा। तो फिलहाल फटाक से एक दो क्वेश्चन और कर दीजिए और फिर उसके बाद हम लोग चलो एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं उसको फटाफट कर दो। तीसरा चौथा ये है, चौथा ये वाला कर दो। ये है ए, ये है बी, और केवल एक मैं वैल्यू दे रहा हूं ना, ये वाला आप बता दीजिएगा कि ए और बी कैसा है। ये रहा पांचवा, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा छठा। ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि इन सब में, अब देखिए यहाँ पे एक तो बीच में भी दिया हूं लेकिन इस बार मैं किनारे दे दिया हूं, किनारे दिया हूं, आप लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं ना कि इनमें से कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है। ध्यान देके सुनिएगा, सुनो ध्यान से। चलो पहले तो ये जान लो कि जब चार्ज अपोजिट साइन के होते हैं तभी प्लस माइनस का कैरेक्टर इधर बदलता है, इधर चाहे इधर, बीच वाला तो जो देखे ही है। तो पहला पॉइंट ये है कि चार्ज के अपोजिट, यदि चार्ज के सेम साइन हो जाएंगे, रीजन भी जान लो, चार्ज के सेम साइन हो जाएंगे तो इधर एक ही तरफ फील्ड मिला के देंगे, या तो दोनों खींच ही लेंगे या तो दोनों रिपिल कर देंगे, तो इस तरह का डायरेक्शन नहीं बल्कि या तो माइनस होगा, या तो नीचे होगा, या तो ऊपर होगा। नीचे ऊपर हो जाने का मतलब होता है कि एक दूसरे का विरोध किया गया है, तो साइन अपोजिट होंगे ये तय हो गया। इसका मतलब साफ है, ना ही दोनों प्लस आंसर हो सकता है ना ही दोनों माइनस हो सकता है, ये समझो। और क्यों ऐसा होगा मैं समझा रहा हूं फिर से, यदि प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे दोनों ही इधर देंगे, और दोनों ही इधर देंगे तो केवल प्लस फील्ड होगा, मतलब फील्ड केवल ऊपर होना चाहिए था, नीचे होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन है नीचे। यदि दोनों माइनस होता तो इस यहाँ पे फील्ड अपनी तरफ दोनों देते, इधर देते, इधर देते, तो निगेटिव फील्ड होता, निगेटिव फील्ड होता तो नीचे ही ग्राफ बनता, ऊपर
नहीं बनता, इसीलिए दोनों के राइट से राइट में और लेफ्ट के लेफ्ट में जो ये रीजन है दो ठो बीच वाला नहीं, ये रीजन में यदि ऊपर नीचे हो गया तो अपोजिट साइन होना तय है। इसका मतलब एक ठो मैं पता कर लूंगा तो दूसरा उल्टा कर दूंगा, तो बी का पता करते हैं ये मालूम चल जाएगा। ए पहले पता नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ग्राफी नहीं है, सो चलो बी पता करते हैं और उल्टा ए बता देंगे, फटाक से आंसर है। पहला पॉइंट करते हैं, ध्यान से सुनना, ग्राफ तो इधर है तो इधर तो देख भी नहीं पाएंगे, तो यहां पे देखते हैं। देखो ग्राफ है, देखो तो फील्ड प्लस है कि माइनस है, फील्ड है ना, ये फील्ड है, ये फील्ड है, बताओ फील्ड प्लस है कि माइनस है, तो कहोगे ऐसा है भाई कि फील्ड तो माइनस है, तो ग्राफ में माइनस है, मैं कहूंगा कि फील्ड तो रियली में होना इधर उधर है, तो बताओ इधर कहा जाए माइनस कि इधर कहा जाए माइनस, माइनस है ना, तो इधर इधर करना है ना, ऊपर नीचे थोड़ी करना है, तो ग्राफ में देखना है, तो इधर इधर तो प्लस होता है, इधर प्लस होता है जानते ही हो, तो इधर हमें कहना होगा, तो यहां पर फील्ड इधर कहना होगा, इधर बताओ चार्ज की तरफ है कि चार्ज से अवे है, तो कहोगे चार्ज की तरफ है, बताओ चार्ज की तरफ फील्ड किसका होता है, तो आंसर है माइनस चार्ज का। फटाक से आंसर आ गया, बी इज निगेटिव। और जैसा कि बातचीत हो चुका है, बातचीत करना नहीं है, ए प्लस है क्योंकि अपोजिट होना तय था, तो बी पता करते ही ए मालूम चल गया, और इसमें से आंसर है बी निगेटिव, बी निगेटिव ए पॉजिटिव, बी आंसर है बी। समझो मैं क्या बता रहा हूं। दूसरा ये मैग्नीट्यूड जरा देखो, समझने की कोशिश करो, मैग्नीट्यूड देखो, यहां पे आओ, ध्यान से सुनो, ये जो ऊपर नीचे वाली बात होती है ना, ये जो ऊपर नीचे वाली बात होती है, यह तभी संभव है जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा, यदि बराबर नहीं होगा तभी इस तरह की संभावनाएं हैं, नहीं तो या तो ऐसे बनता है या तो ऐसे बनता है, याद करो। और रीजन फिर से रीजन ही सुन लो, यदि मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो इधर देखेंगे तो इससे हमेशा कम दूरी होगा, और यदि मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, इसी की बात मानी जाएगी और ऊपर नीचे पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट सुनो, बड़ा पॉइंट सुनो, याद करो, ये ऊपर नीचे वाला बात इसलिए इसकी नहीं मानी जाती है क्योंकि ये चप जाता है वहां पर, इस फील्ड में भी दूर होने पर अपनी वैल्यू क्रिएट कर लेता है, बहुत दूर जाने पर अपना प्रभाव दिखाने लगता है, ये पास में तो दिखा पाता है पर दूर जाने पर ये अपना प्रभाव दिखाने लगता है, इसीलिए ऊपर नीचे होने लगता है, पास में इसकी बात मानी जाती है, दूर पे इसकी बात मानी जाती है, यह तभी संभव है जब ये कमजोर हो, तो हमेशा जिस साइड ये बना होता है, जिस साइड होता है वो मैग्नीट्यूड में कम होता है, हमेशा जिस साइड ये बना होता है वो मैग्नीट्यूड में कम होता है। और रीजन मैं बता भी चुका हूं क्यों कम क्यों होता है, क्योंकि पूरे में इसी का बस नहीं चलता कि निगेटिव है तो निगेटिव ही रहे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहे, कुछ दूर निगेटिव कुछ दूर पॉजिटिव होने का कारण है ये, और ये बड़ा होता है जो अपना दूर पे भी प्रभाव दिखा जाता है बावजूद इसके कि ये नजदीक होता है। सो बताओ बी का मैग्नीट्यूड ए से कम है, बी का मैग्नीट्यूड ए से कम है, ये बात हुई। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात, तो क्या आप लोग ये बता सकते हैं, ये पहला पॉइंट क्या ए और बी अपोजिट साइन के हैं, पहला पॉइंट ए और बी अपोजिट साइन के हैं, नहीं तो ऐसा बात नहीं होता। चलो देखते हैं, ए का पता करते ही बी बता देंगे, देखते हैं ए को, देखते हैं यहां पे फील्ड देखते हैं, अच्छा यही पता कर सकते हैं, बी तो पता कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि ग्राफ तो इजी यही करीब में देखा जाता है, यहां पे करीब पे तो फोटो ग्राफ ही नहीं बना है, तो यहां पे यदि फील्ड है तो ये देखते हैं क्या है, फील्ड प्लस इनफाइनाइट है, मतलब प्लस है, प्लस मतलब इधर है कि इधर है, तो तुम कहोगे भाई प्लस तो उधर ही होता है,
तो उधर है, इसका मतलब फील इधर है। मैं कहूंगा चार्ज की तरफ है कि चार्ज का आवे है, तो कहोगे चार्ज की तरफ है। चार्ज की तरफ क्या होता है? निगेटिव होता है, हो गया। और यदि ए मिल गया तो बी पता चल गया क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि उल्टा होना था, क्योंकि हमें मालूम था। अब बताओ ए मैग्नीट्यूड में बड़ा कि बी मैग्नीट्यूड में बड़ा? याद करो जिस साइड ये नाटक होता है ना, ऊपर नीचे प्लस माइनस, कुछ ग्राफ प्लस तो कुछ ग्राफ माइनस, ये नाटक केवल कम मैग्नीट्यूड की तरफ होता है। इसका मतलब इसके लिए ये सही है और बस यही है, मतलब ये और ये। क्या ये वाला कर सकते हो? वीडियो को पॉज करो और करो, देखो कि तुम कर पाते हो कि नहीं। ये वाला देखो कि तुम ये वाला कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मैं करता हूं, ध्यान सुनना। बताने के लिए मैं यहां पर देख रहा हूं, मैं क्या देख पा रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है। निगेटिव मतलब इधर है कि इधर है? तो कहोगे इधर है। मैं कहूंगा चार्ज की तरफ है कि चार्ज से अवे है? तो कहोगे चार्ज की तरफ है। चार्ज की तरफ है तो लो निगेटिव है, क्योंकि चार्ज की तरफ तो निगेटिव ही होता है फिर। अच्छा यहां पे देखते हैं, यहां भी निगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे निगेटिव। मैं कहूंगा निगेटिव है तो निगेटिव तो इधर ही होता है, तो इधर है फिर। मैं कहूंगा चार्ज से अवे है कि चार्ज की तरफ है? तो कहोगे चार्ज से अवे है। मैं कहूंगा अवे है, फटाक से कहूंगा कि ये लो पॉजिटिव, धड़ाधड़ हो रहा है, समझने की कोशिश करो। ए निगेटिव बी पॉजिटिव, ए निगेटिव बी पॉजिटिव, डी डी ऑप्शन। दूसरा दूसरा समझने की कोशिश करो। दूसरा मैं ये कहूं कि बीचों बीच रहता मिनिमम, बीचों बीच रहता तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता, मैग्नीट्यूड बराबर होता, पर शिफ्ट उधर की तरफ होता है मिनिमम के नाम पे, मिनिमम के नाम पे, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है, क्योंकि ज्यादा वाले की तरफ चले जाओगे तो मिनिमम थोड़ी तो और बढ़ा देता है। तो किसकी तरफ मिनिमम की बात होती है? हमेशा चार्ज कम की तरफ, जब इस तरह का मिनिमम या जीरो वाली जो बात होती है बैलेंस के नाम पर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही है। तो क्या आप लोग सीख गए? क्या इस तरह के क्वेश्चंस कहीं भी आएंगे तो समझ पाएंगे?